वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 सिविक्स बोलो या पोल साइंस बोलो, उसका चैप्टर नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन ईच केस एंड रीराइट दीज। मतलब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें कुछ ना कुछ गलती है तो आपको वो दोबारा लिखना है सही करके। तो पहले स्टेटमेंट नंबर 1 देखो, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये कह रहा है जो हमारे लीडर्स थे, कौन से, फ्रीडम फाइटर्स वाले, वो क्लियर थे इस वाली बात के लिए डेमोक्रेटिक होना चाहिए हमारा कंट्री जब इंडिपेंडेंस मिल जाए, या नहीं थे क्लियर। तो चिल्ड्रन पहले तो ये समझो, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे भाई, वो ये जानते थे कि हम जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, जिस फ्रीडम के लिए हम लड़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार अगर हमको फ्रीडम मिल जाएगी तो ये जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव गरीब अमीर ये सारी चीजें हम भुला के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें डेमोक्रेसी होगी, जिसमें सब लोग कानून के सामने बराबर होंगे। तो आंसर देखो, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही कॉपी किया, अबाउट द कंट्री बींग डेमोक्रेटिक, मतलब वो पहले से ही पूरी तरह से श्योर थे कि जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी हम भाई साहब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब है सब लोग वहां पे इक्वल होंगे, है ना, किसी को कलर के बेस पर जज नहीं किया जाएगा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब लोग कानून के सामने बराबर होंगे। नेक्स्ट देखो, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन वाली लिस्ट में, सबके व्यूज एक जैसे थे। पहले इस चीज को यहां से समझो, अब यार मान के चलो आपके घर में 3 मेंबर हैं, तो क्या जरूरी है सबको पिज्जा ही पसंद हो, क्या जरूरी है सबको बर्गर ही पसंद हो, क्या जरूरी है कि सबको फ्रेंच, हो सकता है भैया किसी को पिज्जा पसंद हो, किसी को बर्गर पसंद हो, किसी को फ्रेंच फ्राइज पसंद हो। ऐसे ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो जो इंडिया के ऐसे सबसे सुपर इंटेलिजेंट लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स में भी, जिन्होंने फ्रीडम में भी हिस्सा लिया था, इन सब लोगों की मीटिंग हुई, सब भाई इन्होंने कुछ बात रखी, इन्होंने कुछ बात रखी, इन्होंने कुछ बात रखी, और कंट्री के अलग अलग हिस्से से आई है, ईस्ट से, नॉर्थ से, वेस्ट से, साउथ से, अलग अलग जगह से। तो लोगों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की फीलिंग को समझा, सारे रिलीजन को साथ लेके इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आंसर देखो, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड ओपन मैनर। भाई इन्होंने एज ए टीम काम किया, आजकल की पॉलिटिक्स की तरह काम नहीं किया कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, नहीं, इन्होंने सिस्टमैटिक वे में काम किया, ओपन मैनर में काम किया, और जो भी डिफरेंसेस थे उसको उन्होंने, डिफरेंसेस का मतलब जो भी भेदभाव थे, मतभेद थे, उन्होंने प्यार से बैठ के आपस में सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखो, अ कंट्री दैट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी। अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो भैया वहां डेमोक्रेसी होगी, ये स्टेटमेंट कह रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ कंट्री हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी। क्यों, अब हम एग्जांपल देंगे, जैसे सोवियत यूनियन और पाकिस्तान ये कहते हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, पर क्या ये डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज द सुप्रीम लॉ। अब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी किसी तरह का अमेंडमेंट यानी कि किसी भी तरह का चेंज नहीं हो सकता, तो ये आंसर गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट एंड प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ कंट्री। भाई मान के चलो कोई ऐसी चीज आ जाए कि नहीं यार अब तो भाई बहुत जरूरी है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा तभी इस देश का कुछ हो सकता है, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चेंजेस किए जा सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। अब चिल्ड्रन ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट सेलियंट अंडरलाइंड कंफ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के अंदर जो ब्लैक लोग थे और जो व्हाइट लोग थे, इन लोगों की लड़ाई चलती रहती थी, तो राइट आंसर है बिटवीन द व्हाइट मेजोरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव। अब देखो डेमोक्रेसी होगी तो उसमें पावर भी बताई गई है कि सबकी क्या क्या पावर है, लेजिस्लेचर की पावर बताई गई है, जिस कंट्री का है वो उसका नाम बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का हेड कौन है।
क्योंकि हेड तो जो है वो बदलता रहेगा बार बार इलेक्शंस के बाद। अब चिल्ड्रन कुछ मैच द कॉलम्स है। अब जो है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू क्या है, इन्होंने क्या प्रिपेयर किया था, प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन इन 1928। बी आर अम्बेडकर कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट को मिलाऊं तो फर्स्ट को ये हो गया, सेकंड का ये हो गया। राजेंद्र प्रसाद कौन थे भाई, वो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, थर्ड का ये हो गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। सरोजनी नायडू कौन थी, मेंबर थी भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो नंबर फोर ये हो गया, इस तरह से हम मिला देंगे। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैं तीन तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू चिल्ड्रन। अब ये कह रहा है रीड अगेन द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम नेहरूज स्पीच टायरेस्ट विद डेस्टिनी एंड आंसर द फॉलोइंग। जो नेहरू जी ने एक स्पीच दिया था, अब उन नेहरू जी ने उसमें ये वाली बात कही थी, क्या कही थी, Why did Nehru use the expression not wholly or in full sentence in the first sentence? भाई नेहरू जी ये कह रहे थे कि हम एक ऐसा नेशन बनाएंगे, ऐसे राष्ट्र को बनाएंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं, फुल मेजर में नहीं। तो वो क्या कहना चाहते हैं, अब वो ये देखो ये कहना चाहते हैं, नेहरू यूज द एक्सप्रेशन नॉट होली और इन फुल मेजर इन द फर्स्ट सेंटेंस बिकॉज नेशन बिल्डिंग वॉज अ चैलेंजिंग टास्क विच कैन नॉट बी अचीव्ड ओवरनाइट। अब यार ये बताओ, नेशन को बनाना मैगी बनाना जैसा थोड़ी है कि भाई साहब 2 मिनट में बन गया, कि पानी में डाला उबाला और हो गया भाई ये तैयार हो गया। तो वो इसलिए ये वाली बात कह रहे थे कि नेशन बिल्डिंग जो है हम धीरे धीरे से कर पाएंगे, एक एक हिस्से को उठाएंगे कंट्री के और तब काम कर पाएंगे। ये काम ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है कि कल सुबह उठे और सब कुछ भाई साहब नेशन बन गया, बढ़िया सारी चीजें हो गई। व्हाट प्लेस डिड ही वॉन्ट द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक। नेहरू जी क्या चाहते थे कि जो भी लोग भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं वो क्या कसम खाएं, क्या प्लेज लें। नेहरू वांटेड मेकर्स द इंडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक अ प्लेज, ये पूरा रेड वाला क्वेश्चन में से लिख दिया, ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया, कि वो पूरी तरह से भारत की सेवा में लगे रहे, मतलब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो आने वाले समय में भी भारत को हेल्प करे। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर From every eye। अब नेहरू जी ने ये वाली बात किस बात किसके लिए कही है कि हमारे सदी का जो सबसे अच्छा आदमी है इस जनरेशन का, वो ये चाहता है कि किसी की आंख में भी एक भी आंसू ना रहे। तो यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेहरू जी बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की, जो कि फादर हैं हमारे नेशन के, है ना, फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है महात्मा गांधी को। फिर से चिल्ड्रन मैच द कॉलम्स है। अब जो सोवरेन है, सोवरेन का मतलब क्या होता है, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, लोगों के पास राइट है डिसीजन लेने का। रिपब्लिक क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, यानी कि जो पर्सन वोट के बाद, वोटिंग के बाद, इलेक्शन के बाद जीत के आएगा वही हेड बनेगा। ठीक है, फ्रेटर्निटी का मतलब है पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर, चाहे लोग अलग अलग रिलीजन के हों, अलग अलग धर्मों के हों, उन सबको एक साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। सेक्युलर का मतलब क्या है, गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, ये नहीं है कि गवर्नमेंट केवल हिंदुओं की बात करेगी या केवल मुस्लिम्स की बात करेगी या केवल सिख की, गवर्नमेंट इक्वालिटी की बात करेगी। चिल्ड्रन अब ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, इसमें एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, मैं जल्दी से पढ़ के आपको बता देता हूं। इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि भगवान ने स्त्री को यानी नारी को मजबूत नहीं बनाया, और नारी हमेशा से ही किस पे डिपेंडेंट रही है, एक आदमी पे, फादर पे, हस्बैंड पे या सन पे, और नारी का ये कर्तव्य है कि वो बस क्या करे, अपने हस्बैंड की सेवा करे और बस ये काम करे, क्योंकि उस वो ताकतवर नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, भाई बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि नारी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर अधिकार मिले हैं आदमियों के बराबर, और आज की जो हमारी लड़कियां हैं, आज की जो हमारी लेडीज हैं, वो आदमियों से कंधे मिला के चल रही है, और किसी भी फील्ड में चिल्ड्रन कम नहीं है, वो आप देख ही रहे हो। तो इसी बात पर लेडीज के लिए यार एक लाइक तो बनता है। सो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। तो आंसर देखो, नो दिस पैराग्राफ डज नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये लास्ट में ये पूछ रहा था, क्या ये जो पैराग्राफ है हमारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा यार, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वल राइट्स टू मैन एंड वुमन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई बराबर अधिकार देता आदमियों को भी और औरतों को भी, नो वन इज सुपीरियर और इन्फीरियर बिफोर द लॉ।
कानून के सामने ना कोई सुपीरियर है ना कोई इंफीरियर है, सब बराबर हैं। अब चिल्ड्रन ये सेंटेंस कह रहा है कि इन्होंने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है और उसका रीजन देना है। तो अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ द एनी अदर लॉ। अब ये कह रहा है जो अथॉरिटी है रूल्स की कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी सेम है और किसी दूसरे लॉ को बनाने वाले भी सेम है। नहीं यार, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी चीज है, उसको किसी और अथॉरिटी ने बनाया है और छोटे मोटे लॉज कोई और बनाता है। तो आंसर है नॉट ट्रू, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म। तो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसने सबकी पावर को अलग अलग बताया कि भाई लेजिस्लेचर की ये पावर रहेगी, एग्जीक्यूटिव की ये पावर रहेगी, जुडिशरी की ये। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू, एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड पावर्स इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या काम किया है, सबको पावर्स तो दिए लेकिन उनकी पावर्स को चेक भी किया है, मतलब रोक भी लगाई है। कहीं ऐसा नहीं प्रधानमंत्री को सारी पावर दे दें, कल को प्रधानमंत्री अपनी पावर का गलत यूज करे, तो ऐसा तो नहीं कि सीएम को सारी पावर दे दें। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, ट्रू, एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हम सबको कुछ ना कुछ पावर दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशन नॉट अबाउट वैल्यूज। ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन केवल इंस्टीट्यूशंस की बात करेगा, वैल्यूज की बात नहीं करेगा। भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉट ट्रू, एज द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड वैल्यूज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो तो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है, जस्टिस के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर, इक्वेलिटी के ऊपर। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ डैश, फादर ऑफ फैमिली, फादर ऑफ नेशन या फ्रीडम या नन। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।